जी हाँ, दो बड़े धमाके होते हैं, वो भी कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर, उनकी कब्र पर, और ईरान दहल जाता है। लेबनान के बाद ईरान, आज विश्व युद्ध के संग्राम से जुड़ी जो अहम खबरें सामने आ रही हैं वो हम आपको बताएंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ अंजलि भी मौजूद हैं। दुनिया में दो मोर्चों पर चल रहे महायुद्ध से विश्व युद्ध की चिंगारी बार बार भड़क रही है। केंद्र में ईरान है, इसराइल पर हमास, हूती और हिजबुल्लाह की ओर से हमले के बीच कल ईरान में दो बड़े धमाकों ने दुनिया की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। इस साल जिसका डर जताया जा रहा है वो है ईरान। ईरान में दो बड़े धमाके होते हैं, इसराइल पर बहुत बड़ी आफत के रूप में अब ये खबर जो है ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है, इसके पूरे आसार हैं, इसकी आशंका है। जी हाँ, और इस बीच ये भी खबर है कि नींद अमेरिका की भी उड़ी हुई है। ईरान बदले की आग में जल रहा है, इशारा बेहद साफ है, इसराइल को कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले कुछ दिनों में ईरान क्या करेगा, कैसे इन धमाकों का बदला लेगा, दुनिया की नजर रहेगी। लेकिन इसराइल पर बहुत बड़े हमले की आशंका है, और अमेरिका कैसे पूरे हालात से निपटेगा, आज युद्ध विशेष बुलेटिन में चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ईरान की बहुत बड़ी धमकी की करेंगे, और बड़ी खबर जो आ रही है वो सबसे पहले आपको बता दें, करमान सिटी में कल हुए हमले पर गुस्से में है ईरान। बिना नाम लिए इसराइल को ईरान की धमकी, हमला करने वालों को बड़ी कीमत चुकानी होगी, साजिशकर्ताओं की जल्द ही पहचान करेंगे, ईरान ने कहा है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने दी बदले की धमकी। سیکل جمعیتی که به طرف مزار نورانی حاج قاسم سرازیده در این ایام میایید با عمل جنایت کارانتون مردم رو بترسانید، زورتون نمیرسه به مقاومت، قدرتتون در مقابل نیروهای مقاومت کاراییشو از دست داده، حالا به مردم بیگناه میپردازید. بدانید در مقابل این جنایت هولناک هزینه سختی خواهید داد. तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इन धमाकों के बाद भड़के हुए हैं। धमाके पर ईरानी गृह मंत्री अहमद वाहिदी का भी बयान सामने आया है, धमाके के पीछे इसराइल का हाथ है, ये साफ साफ कह दिया गया ईरान के गृह मंत्री की तरफ से। इसराइल को बहुत करारा जवाब मिलेगा, ये कहा गया है ईरान के गृह मंत्रालय की तरफ से। ईरान भड़का हुआ है, दो जबरदस्त धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कासिम सुलेमानी, जिनकी मौत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्हीं की बरसी का मौका, उनकी कब्र पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे, उसी वक्त ये धमाका होता है और उसमें 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अब ईरान इन हमलों के लिए, इन धमाकों के लिए इसराइल को ठहरा रहा है जिम्मेदार।